जब जब गरीब असहाय कमजोर पर जुल्म होगा, उसका तिरस्कार होगा, उनमें से कहीं ना कहीं कोई जन्मेगा एक शैतान बनकर। शायद यही संदेश देना चाहते हैं डायरेक्टर माही राघव अपनी सीरीज शैतान में। कहानी एक माँ और उसके तीन बच्चों की है जो पुलिस, नक्सलाइट और पॉलिटिशियंस के त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हैं जहाँ से उनका वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो कहानी काफी एंगेजिंग है और उसकी जो पेसिंग है एपिसोड दर एपिसोड वो भी काफी अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो लीड रोल में मनीष ऋषि अपने किरदार के एनिमल इंस्टिंक्ट को बाखूबी पकड़ने में सफल हुए हैं। माँ की भूमिका में शैली और बहन जया के रोल में देवयानी शर्मा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर एक बार फिर यहाँ भी स्क्रीन स्टीलर बने हैं जफर सिद्दीक, जिन्हें हमने इससे पहले विक्रम में देखा था। बीजीएम बहुत ही डार्क और इंटेंस है जो सीरीज के मिजाज के हिसाब से परफेक्ट है। नेगेटिव्स की बात करूं तो एक बार फिर वही कहूंगा, जो इस सीरीज के मेकर्स ने शायद इंटेंशनली लिया हुआ एक डिसीजन है कि उन्हें इस सीरीज को बहुत ही हिंसा से भर कर रखना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा जॉनर सेलेक्ट करते हैं अपनी सीरीज की प्रेजेंट करने के लिए तो आप बहुत सारा एक दर्शक वर्ग को खो देते हैं। और बिल्कुल आप भी ये सीरीज अपनी फैमिली बच्चों के साथ ना देखें, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्याएं होते हुए दिखाया है, बहुत सारे इंटीमेट सीन्स भी हैं, गालियां भी हैं। अगर अत्यधिक हिंसात्मक दृश्यों में भी आप सहज रहते हैं तभी आप ये सीरीज देखिएगा। माई रेटिंग फॉर द सीरीज इज 2.5।